हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। महिलाओं व कुंवारी कन्याओं ने विधि विधान के साथ गणगौर की पूजा कर महोत्सव का मूर्तियों के विसर्जन के साथ किया समापन। सुहागिनों के सबसे बड़े पर्व गणगौर महोत्सव का पूजा अर्चना कर ईसा व गवर की प्रतिमाओं को मंगलवार को हर्षोल्लास के साथ विसर्जन किया। पिछले 16 दिनों से चल रही इस पूजा में घरों में ईसर गणगौर की स्थापना करके सुहागिनों ने अपने पति की लंबी आयु होने की कामना की। कस्बे में माहेश्वरी समाज सहित कई महिलाओं व कुंवारी कन्याओं ने 16 दिन तक विधि विधान के साथ गणगौर की पूजा कर इस महोत्सव को मंगलवार को मूर्तियों के विसर्जन के साथ समापन किया। महिलाओं ने भारी मन से गणगौर को ईसर के साथ विदा किया। होली के अगले दिन से शुरू होने वाली इस पूजा में महिलाओं को 16 दिनों तक सजने सवरने, सखी सहेलियों के साथ हंसी मजाक और टिटोलियां करने का खूब मौका मिलता है। इन सब के बाद जब गणगौर की विदाई का दिन आता है तो सुहागिनों भारी मन के साथ अपनी 16 दिन की गणगौर को विदा करती हैं। सुहागिनों के साथ साथ नव विवाहिताओं के लिए भी इस पूजा का खासा महत्व है। सुहागिनें अपने पति की लंबी आयु और सुखी जीवन की कामना के साथ ईसर गणगौर की पूजा करती हैं। कुंवारी लड़कियां भी अच्छे वर की प्राप्ति के लिए गणगौर की पूजा करती हैं और फिर घर और आस पड़ोस की महिलाएं मिलकर इस पूजा में शामिल होती हैं और अखंड सौभाग्य और खुशहाली के प्रतीक इस पर्व पर महिलाएं ईसर गणगौर स्वरूप भगवान शंकर माता पार्वती की पूजा करती हैं। क्या है मान्यता? प्राचीन मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव को पाने के लिए माता पार्वती ने 16 दिन की पूजा अर्चना की थी और उसके बाद उन्हें शिव की प्राप्ति हुई थी। तो इस तरह माता पार्वती ने सभी सुहागिनों और कुंवारी कन्याओं को यह वरदान दिया है कि जो भी सुहागिन व कुंवारी कन्या गणगौर की विधिवत पूजा करेगी उसे अखंड सौभाग्य प्राप्त होगा, पति की लंबी आयु होगी और कुंवारी लड़कियों को मन भावन वर की प्राप्ति होगी। राजस्थान में यह पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। अंतिम दिन सुहागिनें अपनी 16 दिन की गणगौर के गानों के साथ सिर पर कलश और ईसर गणगौर को बैठा कर विदा करती हैं। जागरूक टीवी के लिए रानीवाड़ा से विद्या मदन माहेश्वरी की रिपोर्ट।